हेलो स्टूडेंट आउ एक नूतन वीडियो को आपण मैं समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आम डिस्कशन करवा हाफ वेल एग्जामिनेशन जो हम आम नवम श्रेणी तृतीय भाषा जो अच्छी ऑटोमेटिक सब्जेक्टर क्वेश्चन आंसर मुझे नहीं आनीसी आपण मैंने देखनी तो ये वीडियो भल भाव आ क्वेश्चन को प्रिपेयर आपने यहीपरी टाइप आम क्वेश्चन सब आसो। ओके आमर कैसे मार्क अच्छी टोटल 50 मार्क क्वेश्चन अच्छी। ये 50 मार्क क्वेश्चन रे आम सब आलोचना करवा। प्रथम अच्छे कौन शून्य स्थान पूरण कर, शून्य स्थान पूरण कर दे कौन 10 मार्क क्वेश्चन 10 अच्छी। से हीपरी आम 2 मार्क पचारा 5 क्वेश्चन प्रश्न उत्तर दि ये 2 मार्क अच्छी ये 10 मार्क सी 10 मार्क 10 मार्क ये 20 मार्क गोटे से हीपरी 5 मार्क दुईटा पचार 5 मार्क दुईटा पचार ये 10 मार्क। ओके 30 मार्क है से हीपरी 4 मार्किया 5 पचार 20 मार्क ये 4 मार्किया 5 20 मार्क से हीपरी भाव ये 20 मार्क से 30 ये 20 50 मार्क क्वेश्चन सब मैंने प्रिपेयर हो जातु एम आपको आसी पारे। ओके से हीपरी आम जा शून्य स्थान पूरण कर हेले आईरे पचारे कौन चक एक डैश प्रकार जंत्रांश जहाँकि सहजरे केन्द्र चारिपटे घूरी पाए। चक एक प्रकार जंत्र गोलाकार वृत्ताकार जंत्र। ओके चकटा देखी समस्त चक गोलाकार देखा जा चक कि गोलाकार कि वृत्ताकार आकार होती से केन्द्र चारिपटे तार घूरी पार देखु सैकल चलेले गाड़ी चलेले देखु तार केन्द्रटा स्थिर रोचे तार चारिपटे गोलाकार होती से घूरी बुलू। से डबल आई पचारा कौन देश प्रथम व्यावहारिक जान नूतन मॉडल निर्माण करते प्रथम व्यावहारिक जान नूतन मॉडल किए करते आपने जानते अति सहज क्वेश्चन आम कालबेन्स। कालबेन्स को कौन कह मोटर जान निर्माण जन्मदाता कहुच्छी तेणु यार आंसर हम डबल आई आंसर हम कालबेन्स। ट्रिपल आई पचारा कौन प्रथम थर पर डैश मसीहार अंतःदहन इंजिन उद्भावन है आमर अंतःदहन इंजिन होता आमर दुई प्रकार इंजिन अच्छी गोटे अंतःदहन गोटे बाह्यदहन हेल्ले बाह्यदहन आम के 1662 मसीह गोटे खेलना मॉडल को लेकर आम करपरी अंतःदहन आम के प्रथम थर पर 1806 मसीह आमर अंतःदहन इंजिन उद्भावन होता। से हीपरी जावा आई भी आंसर देख कौन कही होंडा एक होंडा एक डैश मॉडल कार ये हूँ गोटे जापान मॉडल कार। ओके सेपरी भी नंबर कौन पचारा मारुति उद्योग द्वार प्रथम कार मॉडल के डैश निर्माण करले मारुति उद्योग द्वार प्रथम मॉडलटा हूँ कौन मारुति 800। मारुति उद्योग आमर के ना 1983 मसीह मारुति उद्योग होता जोटा कि भारत आउ कौन जापान मिसिकी मारुति सुजुकी गोटे नाम कंपनी करते जोड़ार प्रथम मॉडल है मारुति 800। ओके यार आंसर हम मारुति उद्योग प्रथम कार मॉडल है मारुति 800। प्रत्येक स्कूल को प्राय आमर यही मॉडल कार गाड़ी आसी जाइए। से भि आई पचारा कौन डैश प्रथम जीप उद्भावन करते आप जीप गाड़ी देखते जीप प्रथम किए उद्भावन करते ना ओल्स ओवरलैंड जी कि आमर जीप को उद्भावन करते। से भी डबल आई कौन पचारा ट्रैक्टर पछरे डैश उत्तरिक मेसीन लगेबार व्यवस्था थाए अनेक प्रकार कृषि भित्तिक जान अच्छी। ओके आम ट्रैक्टर पछरे विभिन्न प्रकार कृषि भित्तिक मेसीन लगेबार व्यवस्था रोचे जोमें कि वृक्ष रोपण पर वृक्ष आमर आउ कौन कर जिनपत को बही नापी आस करनेत खोलियापाई एमती विभिन्न प्रकार आम सार बुणापी बिहन बुणापी एमती आम विभिन्न प्रकार आमर मशीन को लगेबार व्यवस्था थाए। से भी डबल आई ट्रिपल आई कौन पचारा डैश को अलिया आवर्जना बुआ ट्रक कहुच्छी एटा बहुत सहज क्वेश्चन। डम्फर देखि जो पचपट टेकई सीटा को कौन कह डम्फर डम्फर को आम कौन कौन अलिया आवर्जना बुआ ट्रक कहुच्छी। से आई एक्स पचारा कौन बाह्य आवरण मुख्य अंश हूँ डैश बंध आमर बाह्य आवरण देखि विभिन्न जो गाड़ी गुड़िक अच्छी तार बाह्य आवरण जो कोलड़ा अच्छी तार मुख्य अंश हूँ कौन आम 33 पृष्ठतल बंध बोली कहुच्छे बाह्य आवरण मुख्य अंश हूँ पृष्ठतल बंध। से एक्स पचारा कौन डैश को इंजिन रो मेरुदंड कपने देखी इंजिन भितर कौन कौन अच्छी इंजिन भितर आम पिस्टन कनेक्टिंग रॉड पिस्टन पिन पिस्टन रिंग अच्छी आम इनलेट बल्ब एग्जॉस्ट बल्ब अच्छी इंजिन भितर सब अच्छी पूरा। ओके से हीपरी आमर अच्छी
क्रांकसाफ्ट अच्छी जहाँकू आम इंजिन रो मेरुदंड कही था तेणु यार आंसर हम कौन क्रांकसाफ्ट इंजिन रो मेरुदंड आम जाम शून्य स्थान पूरण कर तापर आम जा दुई मार्के जो अच्छी पांचटी क्वेश्चन प्रत्येक पांच गोटी प्रश्न उत्तर दि आईरे कौन पचार पिस्टन उपलब्ध रिंग और निम्न रिंग को कौन कहा जाए देख पिस्टन तीन प्रकार रिंग अच्छी पिस्टन ऊपर थाए मझे थाए आर तले थाए तीन टा प्रकार तीन टा रिंग रोचे से ऊपर रिंगटा को कौन कहे चाप सृष्टिकारी रिंग आउ तलटा को कौन कौन नियंत्रण रिंग ओके आंसर तार आम बाहर करवा तार आंसर मुझे बाहर कर देखि दिंतु 44 नंबर पेज रे तार आंसर अच्छी आमर पिस्टन रिंग रे दी प्रकार तीन प्रकार कही तीन प्रकार रिंग केमी आप देखने ओके यही सब क्वेश्चन गुड़िक आम अर्धवार्षिक परीक्षा जो हेबा आसूँ आसवर संभावना अच्छी तेणु आपण मैंने प्रिपेयर होकर क्वेश्चन गुड़ी जातु विभिन्न प्रकार क्वेश्चन दुई मार्के आम एवं आलोचना कर आम कौन पड़ा पिस्टन रिंग तार अच्छी 44 नंबर पेज रे तार आंसर अच्छी देख नियंतु 44 नंबर पेज आसीगला देख पिस्टन रिंग देख पिस्टन रिंग जो आमर अच्छी केतोटी रिंग कही मोर तीनो रिंग अच्छी ओके हेले देख पिस्टन उपरे रिंग को चाप सृष्टिकारी रिंग एवं ओ निम्न तैल नियंत्रण रिंग बोली कहके तैल नियंत्रण माने जो आमर बार जो अच्छी तैल नियंत्रण माने जो आम ऑइलटा अच्छे ऑइलटा को सी ऊपर को जीवा दब ना आर जो चापटा अच्छे से तौक आसवाक दब ना एमती आमर ये रिंगटा अच्छे हेले मुझे आम तीनो रिंग अच्छी देख तीनो रिंग के बोली आमर अच्छे ये आम कौन पिस्टनटा पिस्टन कौन होना ऊपर एक दुई तीन थी हेल्ले उपर पटे जो आम चाप पड़ी इंधन जो चाप पड़ी पवन चाप पड़ी से चापटा तौक आसिक दब नहीं तले जो इंधन ऑइल अच्छी इंजन ऑइल अच्छी उपर से देवा दब ना जदि रिंग गुड़ी खराब हो जाए देखिए तो धूआ अधिक बाहर कौनपाई ना ऑइलटा बहुत उपर को पड़ी जहाँ फल अधिक धूआ बाहर संभावना अच्छी हेल्ले मझीटा कौन ना ये कौन कर कंट्रोल करेंगे उपर आड़ लिक होगा बोले ये मझीटे अच्छी तला आड़ जब लिक है ये मझीटे मझीटा हो सेफ्टी पर रखाई यहीपरी भाव में आम तीनो रिंग रखा जा पिस्टन भितर उपरपट है चाप सृष्टिकारी रिंग आउ तलटा है तैल नियंत्रण रिंग ओके आम जा परवर्त क्वेश्चन को परवर्त क्वेश्चन देख पचारा इनलेट बल्ब कार्य कौन मुझे कहती इंजिन रे के पार्ट गुड़ अच्छी इंजिन मतलब कहे पिस्टन कनेक्ट रड क्रैकशाफ्ट जो मेन मेन पार्ट जहाँ कहे सिलिंडर से इनलेट बल्ब अच्छी आमर से कौन होना आमर इंधन प्रवेश द्वार कह इनलेट बल्ब देखीदे इंधन प्रवेश द्वारा जहाँ पटे देख कौन होना इंधन प्रवेश कर देख आमर ये हूँ इनलेट बल्ब अच्छी ना ये हूँ इनटेक इनलेट बल्ब बोली कहूँ एपट रही हम एपट रही जोपट रही हम किसी असुविधा ना कि आप चित्र एपटे देखी गोटे हूँ इनलेट बल्ब एपटे कौन हो इंधन पवन मिसिक भितर को इंजिन सिलिंडर भितर को आसपुर इंजिन प्रक्रिया घटापर सी कौन हम ना दहित गोटे गोटे एग्जस्ट बल्ब देकर बाहर को जो धूआटा देखु आपने धूआटा सब आसो स्मोकटा जो धूआटा अच्छी से स्मोकटा एपटे बाहर को आसबले दु प्रकार बल्ब अच्छी गोटे इनलेट बल्ब आ गए एग्जस्ट बल्ब हेल्ले इनलेट बल्बर काम को कौन कहली ना इंधन पवन मिश्रित इंजिन पिस्टन बा इंजिन सिलिंडर भितर को प्रवेश करेगा इनलेट बल्बर काम ओके आम जा परवर्त क्वेश्चन को परवर्त क्वेश्चन में पचारा कौन रेडिएटर कार्य लोक रेडिएटर देखिंग आपने अति सहज देखु प्रत्येक गाड़र आगपटे गोटे जाली भाया था जो जालीटा भितर जो आप देखा जाए कौन ना रेडिएटर रेडिएटर काम होला कौन ना आमर जो इंजिन
କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଚାଲିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି, ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ଟିକିଏ ସମୟ ଯଦି ଧାଇଁ ପଳାଇବା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଆମ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି, ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଚାଲୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଗତିଶୀଳ ହେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ସେ ଗରମ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ରେଡ଼ିଏଟର୍ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ବାୟୁଟାକୁ ଆମର ଇନ୍ଧନ ଯେଉଁ ଜଳିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି ବା ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଚାଲିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି, ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରେଡ଼ିଏଟର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ରେଡ଼ିଏଟର୍ କ'ଣ କରିବ ନା, ରେଡ଼ିଏଟର୍ ଭିତରେ ଆମେ ୱାଟର୍ ପକାଇବା ବା ପାଣି ପକାଇବା ବା କୁଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ପବନ ବାଜିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଥିବ, ରେଡ଼ିଏଟର୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା କରି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଚାରିପଟେ ଯିବ, ବୁଲିବ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବଜାଇ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଆମର ଥଣ୍ଡା କରିବ। ଦେଖ ତା'ର ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦେବା ଆମେ ରେଡ଼ିଏଟର୍ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଅଛି। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ରେଡ଼ିଏଟର୍, ରେଡ଼ିଏଟର୍ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ତରଳ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ, ତରଳ ଗୋପନ ତାପ ବିକିରଣ ଫଳରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥଣ୍ଡା ରହେ, ହେଲା। ମୁଁ ଏ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରେଡ଼ିଏଟର୍ ଟା। ଓକେ, ଇଏ ଆମର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଆଗପଟେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିର ଆଗପଟେ ରହିଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ରେଡ଼ିଏଟର୍ ଆମେମାନେ ରେଡ଼ିଏଟର୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଓକେ, ତା'ପରେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଲା ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ କାହା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ଟା ଆମର କାହା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଦେଖ ଆମର ଇଞ୍ଜିନ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ଏବେ, ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଆମର ଉପରେ କ'ଣ ଥିଲା, ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ ଥିଲା। ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଆମର ୱାୟାର୍ ଦ୍ୱାରା ଥିବ, ୱାୟାର୍ ଯାଇକରି କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ଇଏ ହେଲା ଦେଖ ଆମର ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍। ହେଲେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖୁଥିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଛାଡ଼ିଛି, ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖିପାରିବେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥକ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରିଛି। ହଏ, ହେଲେ ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ଟା କ'ଣ, ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ୱାୟାର୍ ଥିବ, ଇଏ ୱାୟାର୍ ଗୋଟେ ଆସିକରି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥାଏ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ। ସେ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପାୱାର୍ ନେଇକି ଆମର ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଥିବ। ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ଟି କେଉଁଠି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଓକେ, ତା'ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଇନ୍ଧନ ଛଣା ଜାଲର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ, ଅତି ସହଜ। ଛଣା ଜାଲ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବ ବା ଛାଣିବ। ହେଲେ ଇନ୍ଧନ ଛଣିବାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଓକେ, ଫୁଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ତେଲ ଦେଖିଦେବା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଶୁଣ। ଫୁଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ, ଦେଖ ଆମର ଏଠି କହିଲି ଏପଟେ ଫୁଏଲ୍ ଆଉ ପବନ ଆଉ ଇନ୍ଧନ ଆସିବ। ହେଲେ ଇନ୍ଧନ ପବନ ଆସିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଇନ୍ଧନଟା ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକରି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଛୁ, ଆମର କେଉଁଠି ଫୁଏଲ୍ ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ବା ଆମର ଷ୍ଟେସନ ଯାକ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଟ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛ ବା ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକରି ଫୁଏଲ୍ ଭରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଫୁଏଲ୍ ଭରି କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଦେଖୁଥିବ ଫୁଏଲ୍ ବା କିରୋସିନ ହେଉ କି ପେଟ୍ରୋଲ ହେଉ, ଟିକିଏ ସମୟ ରଖିଦେଲା ପରେ ତୁମେ ବୋଟଲ ଯଦି ନେବ ରଖିଦେବ, ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ତଳେ ବଳିଆ କିଛି ଯେଉଁ ମାଟି ମାଟି ତୁଳି କଣା ଯାକ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ମାଟି ଯାକ ସବୁ ମଣ୍ଡ କି ତଳେ ରହିଥିବ। ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ନ କରି ଛାଣିକି ନ ପଡ଼ିବା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିତରକୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିତରେ ପିଷ୍ଟନ ଅଛି, ଘଷି ହେଉଛି, ଉପରୁ ତଳ ହେଉଛି, ଘଷିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏ ପିଷ୍ଟନ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ ଦେଖ ଅଛି ଏଠି ଆମର, ହେଲେ ପିଷ୍ଟନ ଉପରୁ ତଳ ହେବ, କନେକ୍ଟିଂ ରଡ଼୍ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଅଛି, ସିଲିଣ୍ଡର ପଟେ ଚାରିପଟେ ସେ କ'ଣ ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରେ ସେ ଉପରୁ ତଳ ହେଉଛି। ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ନ କରି ଛାଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ପିଷ୍ଟନ ଆଉ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ କ'ଣ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲ ଯାହା ବି ଆମେ ଫୁଏଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଫୁଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ସିଲିଣ୍ଡର ବା ପିଷ୍ଟନର କିଛି ବା ଇଞ୍ଜିନ୍ର କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ହେତୁ କାରଣରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫିଲ୍ଟର ବା ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ବା ଫୁଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଟର ଅଛି ଆମର, ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଆମେ ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର କରାହେଉଛି, ସିନେ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଅଏଲ୍ ପକାଯାଉଛି। ଓକେ, ହେଲେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତା'ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଜଏଣ୍ଟ କ'ଣ। ଦେଖ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଜଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଜଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଆମର 7ଟି ଦେଇଛି ବା 6ଟି ଦେଇଛି, 6ରୁ ଆପଣମାନେ 5ଟି ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଜଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଦେଖ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର, ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବାଇକ୍, ବାଇକ୍ରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଜଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ବାଇକ୍ରେ। ଦେଖ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର
इंजिन अच्छी इंजिन स्टार्ट है इंजिन स्टार्ट हेल्ले कौन पिस्टन तलू ऊपर गला कनेक्ट क्रांकसैड बुला क्रांकसैड जो घूरू क्रांकसैड घूरले कौन हो लिनियर मोशन पिस्टन रो लिनियर मोशन अच्छी उपरू तलू कौन ताकू से कौन कहे रोटेसन मोशन में परिणत करुच्चे यू आम कौन अच्छी इंजिन यहाँ है इंजिन क्रांकसैड घूरला इंजिन पर अच्छे कौन क्लच अच्छी तापर अच्छे कौन गियर बक्स रखे आप आमर से चेन लग पछ चकु आम जा जोटा कि आमर चकड़ा बुलू जहाँ फल बैकटा जाठी आम छोटिया गोटे बैकटा तो सभी आम कौन कले चेन आम स्कूटी जार बेल्ट व्यवहार कर दे कितु आम जदि बड़ बड़ गाड़ी जमी कार गाड़ी जा ट्रक गाड़ी जा बस गाड़ी जा ताहले सेडी कौन हो आमर चेन तो लगे कौन एत बड़ गाड़ी छिड़ जब इंजिन बट इंजिनटा देखो आग बट रोचे आईटा मन रख प्रत्येक गाड़ी पछ पट को ही पावर दि जाऊँ पछआड़ ठेले गाड़ीटा आग चक गड़ी जाऊँ आग आड़ पावर दि जाऊ के अच्छी पछआड़ दिखाई आग आड़ दि जाऊँ कि साधारणत अधिकांश गाड़ी कौन हो पछ पटु आम पावर को दे था आग पट इंजिन रक्ति पछआड़ नहीं कि आम पछआड़ ठेलिकी जाए ओके हेले आमर जो पछपटू जो इंजिन पावर टा दि जाऊँच इंजिन पावर टाक पछपटे नहीं दि जाऊँच बस गाड़ी तो बड़ा से चेन लगे से कौन हो देख मुझे कहली क्रांक साइड था तार क्लच इंजिन था क्लच था तार गियर नापर से कौन कर से गियर रु गियर बक्स पावर टाक प्रोपेलर शाफ्ट गोटे अच्छी से प्रोपेलर शाफ्ट देकरी कौन हो आम पछ चक को दि जाऊँच आउ ये मझे तार डिफरेन्सील अच्छे सब गुड़ा जर कम दीटा चकू को सी सामान भाव में पावर दब है ये जो प्रोपेलर शाफ्ट रहा यहाँ जो लंबा हो बड़ गाड़ी है बस गाड़ी है लंबा होको टी लंबा गाड़ी जगह आम व्यवहार कर बड़ बड़ गाड़ी जगह कि बेसी लंबा होने कौन भांगी जबार संभावना अच्छे से आपको कौन कराया पड़ो ना आम जॉइंट करा पड़ो ये दीटा जो अच्छी गोटे जॉइंट करदा बोले ये कौन ये स्ट्रेंथ नब ये स्ट्रेंथ नब बुझे ना जब बड़ लंबा हो देखु आम बड़ गोटे पाइपटे नापर जो ओजन भांगी जाए ना से ये कौन हो भांगी जा संभावना अच्छे से जॉइंट करा पड़ो हेल्ले जो जॉइंटा करें कह यूनिवर्सल जॉइंट ओके कौन रही ना मैंने प्रोपेलर शाफ्ट बा इंजिन पावर को प्रोपेलर शाफ्ट पचीस को दि जा प्रोपेलर शाफ्ट को जो जॉइंट संयुक्त कर पावर को नि जाए से जॉइंट को कहर यूनिवर्सल जॉइंट बुझिपाल ना ना ये हूँ तार आंसर आपण मैंने मन रू लिखले हम ओके तापर जामें परवर्ती क्वेश्चन को परवर्ती क्वेश्चन तीन नंबर कौन पचार लंग क्वेश्चन पचार तीन नंबर लंग क्वेश्चन आम आलोचना करवा देख समस्त प्रश्न देखिए एक आई रही डबल आई देखिए ये जो दुईटा देखिए किंबा ए आई रिंबार ए दुईटू गोटे कर डबल आई रिंबार ए दुईटू गोटे लिख पाँच मार्क लाख लंग क्वेश्चन आसूसी आपण मैंने आपको प्रिपेयर होकर जाते ओके हेले आई रे पचारा कौन ईंधन जोगाण व्यवस्था मुख्य विभाग गुड़िक संबंध में लेख आमर जो ईंधन जोगाण फुएल सप्लाई होती तार मुख्य विभाग गुड़िक विषय आम आलोचना करवा मुख्य विभाग कौन फुएल टैंक अच्छी अति सहज गुरा फुएल टैंक अच्छी फुएल फिल्टर अच्छी तापर इंजिन भितर आम जाऊँ से भितर आम विभिन्न प्रकार जो जंत्रांश अच्छी से विषय में आलोचना करदे तेल देखीद ये हो लॉन्ग क्वेश्चन बर्तमान आम आलोचना करवा लॉन्ग क्वेश्चन देख कौन कहला ईंधन जोगाण व्यवस्था देख यहाँ हूँ आम कार्बोरेटर है आमर एटा पेट्रोल इंजिन रे व्यवहार होती कार्बोरेटर यहाँ टे भल भाव आगे आम आलोचना करवा हेले ये हूँ देख मुझे जो स्पार्क प्लग भितर अंश गुड़ी हूँ स्पार्क प्लग्र हेल्ले ईंधन जोगाण व्यवस्था विषय आम एर्तमान आलोचना करवा लॉन्ग क्वेश्चन पचार ईंधन जोगाण व्यवस्था आसला ये हूँ आम ईंधन जोगाण व्यवस्था देख ईंधन जोगाण व्यवस्था पेट्रोल ईंधन ईंधन वायु मिश्रण दहन प्रकोष्ठ मध्य प्रवेश कराए मुझे कहती पेट्रोल इंजिन कार्बोरेटर द्वारा ईंधन अटम कणिका क्षुद्र क्षुद्र बाष्प कणिका आकार भितर को छड़ा जाए पेट्रोल इंजिन डाउस कि डीजेल इंजिन में आम कौन कार्बोरेटर व्यवहार कराऊना से विषय में आम जाना इंजन जोगाण व्यवस्था देख कौन कौन अच्छी मुझी फुएल टैंक अच्छी ओके तैयार बाबा फुएल पाइप पाइप नाला कि तौर आसो इंजिन भितर को पाइप दरकार ना उड़ी पड़े फुएल टैंक रु पाइप मध्य देकर कौन फुएल पाइप अच्छी फुएल लाइन कहूँ से ओके सी फुएल फिल्टर तापर
एयर क्लीनर कही इंधन पवन भी सीढ़ी आसो इंधनटा छाणीगला पवनटा छाणिया पड़ो ना धूलिकणा सब भितर पड़े जिनटा चोक होवार संभावना अच्छी तेणु वायु परिष्कार कौन एयर फिल्टर अच्छी तापर फुएल इंजेक्शन पंप यहाँ हूँ आम डीजेल इंजिन पे तार इंधन पेपर को जंत्र फुएल इंजेक्टर यहाँ हूँ डीजेल इंजिन भी हमारे अच्छे यहीपरी भाव आप छोटी उपकरण अच्छी सतटी उपकरण अच्छी ये सतटी उपकरण को लेकर आमर फुएल सप्लाई सप्लाई सिस्टम इंधन जोगाण व्यवस्था आमर कार्यकारी हो पारे भाई ये 59 पेज अच्छी आपने पढ़िकी जा लिखिपारे ओके आम जा परवर्त क्वेश्चन को परवर्त क्वेश्चन पचारा किंबारे कौन पचारा क्लच आवश्यकता लेख क्लच क्लच देख मुझे कही इंजिन क्लच गियर बॉक्स प्रोपेलर शाफ्ट देखिए आम पछ चक को जाऊँगी क्लच राम कौन है ना आमर शक्ति संचालन को कौन कर सी कंट्रोल कर इंजिन रक्ति को जो गियर बॉक्स बक्स जाऊँगी सी कौन कर संचालन करार स्मूथली सहज सहजे से कौन कर देख मो क्लच गाड़ी स्टार्ट कला समय क्लच धरती से भाव स्लो गाड़ी स्लो करा समय ब्रेक देवा समय क्लच को व्यवहार कराऊँ आवश्यकता कौन आपण मैंने देखते आलोचना एवं करवा क्लच रवश्यकता देख क्लच रवश्यकता विभिन्न प्रकार आमर इन अच्छी किंतु क्लच रवश्यकता देख मुझे क्लच निम्ते निम्क्त आवश्यकता गुड़ को पूरण करने आवश्यक इंजिन सर्वाधिक घूर्णन बल को संचरण करवा कहली इंजिन रो पावर आसूस पावर को क्लच कौन कर गियर बॉक्स को दब हठात धक्का सृष्टि नक धीरे धीरे गाड़ी को स्थिर अवस्था गतिशील करवा कहली गाड़ी स्टार्ट कला समय क्लच व्यवहार हो धीरे धीरे गाड़ी को स्टार्ट करने क्लच व्यवहार करें आवश्यकता पड़ी क्लच घर्षण जनित ताप को ह्रास करवा जो ताप होगा टेम्परेचरटा को कमे घसी हो क्लचटा घूरू घसी होती द्रुत गतिशील इंजिन को स्थिरता रखा पड़े जदि गाड़ीटा स्पीड जाऊँगी क्लचटा जो धरवा तो स्थिरता कर रखा संतुलन कर रखा पड़ा से हीपरी शक्ति संचरण समय सृष्टि शब्द कंपन को ह्रास करवा जदि आमर शक्ति संचरण हो इंजिन रवरटा जो गियर बॉक्स दे प्रबल चाप दे पछ चक जाए समय जो शब्दा कंपनटा को कमे पड़े क्लच जदि खराब होती धड़ 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 देखिए आप इंजिन साउंडटा होपरी क्लचर आकार छोट होता है जपरिकी अल्प स्थान में दृढ़ भाव में खंजा जा पाए क्लचटा बेस बड़ जिनस नहीं गोटे छोटिया जिनसटा तार दुटा प्लेट थाए से जो क्लचटा छोट हो पड़े जब बेस बड़ होमर गियर बॉक्स अलग अच्छी इंजिन बड़ क्लच जब बड़ा हम से छोट आकार भल जब बेस बड़ हो मैंने छोट होता कौन दृढ़ भाव में कंजिक रखा सुविधा हो पार यह पादर मुक्त भाव में सहजे चलचा कर हुए आमर देखु बैक गुड़ी गुड़ लेफ्ट साइड रोचे हाथ रोचे कितु कार गुड़ी बस गाड़ी ट्रक गाड़ी देखु बड़ बड़ गाड़ी गुड़िक आमर क्लचटा पाद तले पाद तले रही था यह द्वारा क्लच और तार सरंजाम पड़ता सा पर्यटन ओजन ह्रास क्लचटा धीरे धीरे कम मानते धीरे चुपे चुप से कम करने को पड़ो गाड़ी चालक द्वारा अल्प बल प्रयोग करजरे कार्यक्षम कर हुए आमर क्लचटा को अल्प बल देकर कार्यकारी से हीपरी क्लच गतिशील उपकरण गुड़िक हालुका होती क्लच चाप प्रयोग कला बेले दीर्घ समय धरी तार घूर्णन प्रक्रिया घटी न थाए जिते समय क्लचटा आम चबुता से समय से क्लचटा घूरिकी कम कर क्लच छाड़ीदे सीतापुर एंगेज डिसएंगेज जो कौन आमर को आमर गियर बॉक्स को एंगेज और डिसएंगेज बा इंजिन शक्ति को गियर बॉक्स को एंगेज डिसएंगेज करने आमर क्लच आवश्यकता पड़ी थाए ओके ये आम क्लच आवश्यकता ताल आम जा परवर्त क्वेश्चन को परवर्त क्वेश्चन दुई नंबर डबल आई रचार ये आई रिंबा था सी नहीं डबल आई रचार कौन इंजिन और तार जंत्रांश गुड़िक कार्य बुझाई लेख यहाँ पूरा मेन टपिकटा आउ इंजिन जदि आम अटोमेटिक पाठ पढ़ो तापर जाना पड़ो इंजिन कौन इंजिन हूँ आम गोटे कौन जंत्र जहाँकि रासायनिक पदार्थ को सी जांत्रिक पद्धति में परिणत कर पार शक्ति परिणत कर पार्टी इंजिन तार जंत्रांश गुड़ी कौन कौन इंजिन आम पिस्टन कनेक्टिंग रॉड सिलिंडर क्रैंकशाफ्ट आउ इनलेट बल्ब एग्जॉस्ट बल्ब एम आमर सब जंत्रांश गुड़ अच्छे से विषय आम अच्छी बहरे अच्छी 41 नंबर पेज तार आंसर गुड़िक अच्छी।
ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତା'ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଆମର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାର୍ଟ ବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାର୍ଟର ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଆମର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି କହିଥିଲି, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ତା'ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଓକେ, ଆମର 41 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ତା'ର ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। 41 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ତା'ର ଆମର ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଏସ୍ଆଇ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଏସ୍ଆଇ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ ଥିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ସିନି କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଇଗ୍ନିସନ୍ ବା ସିଆଇ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେହିପରି ଅନ୍ତଃଦହନ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଦେଖ, ଆମର କହିଥିଲେ ସିଲିଣ୍ଡର ଶେଷାଗ୍ର ବା ସିଲିଣ୍ଡର ହେଡ଼୍ କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ପିଷ୍ଟନ୍, ପିଷ୍ଟନ୍ ରିଙ୍ଗ, ସଂଯୋଗ ଦଣ୍ଡ ବା କନେକ୍ଟିଂ ରଡ୍, କ୍ରାଙ୍କସାଫ୍ଟ, କ୍ରାଙ୍କେଜ୍, ଓକେ, ଏହିସବୁ ପିଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍, ଗଡ଼ଗନ୍ ପିନ୍ ବା ପିଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ ଯେଉଁଟା ଗଡ଼ଗନ୍ ପିନ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା, ସେମିତି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ବା ଇନଲେଟ୍ ଭଲ୍ଭ କହିଥିଲି, ସେମିତି ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଭଲ୍ଭ କହିଥିଲି। ତା'ପରେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଭଲ୍ଭ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ତା'ର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଯାହା ଅଛି ବଲ୍ବରେ, ପୁରା ସବୁ ଇନଲେଟ୍ ମଲିପୋର୍ଟ, ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ବହୁମୁଖୀ ନିଷ୍କାସନ ପଥ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ସେହିପରି କିମ୍ବାରେ ପଚାରିଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ର ଗଠନ ଓ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ବିଷୟରେ, ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଦେଖିଛୁ ଆପଣମାନେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନେବା ଆଣିବାରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଗ୍ଧ କହିପାରିବା, ପେଟ୍ରୋଲ କହିପାରିବା, ଡିଜେଲ କହିପାରିବା, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ଆମ ପାଣି କହିପାରିବା, ଏହିସବୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଟ୍ୟାଙ୍କର୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଇଏ ଦେଖ ହେଉଛି ତା'ର ଆନ୍ସର୍, ଟ୍ୟାଙ୍କର୍। ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋଟର ଯାନ ଯେଉଁଥିରେ କି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଜଳ, ଦୁଗ୍ଧ, ତୈଳ ପଦାର୍ଥ, ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଆଦି ସଡ଼କ ପଥରେ ବହୁ ଦୂରକୁ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ। ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଗୁଡ଼ିକର ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଭିତ୍ତି ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବଡ଼ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି, ତା'ର ଆକାର କହିଛି ବ୍ୟବହାର, ନଳାକୃତି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ନଳାକୃତି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ, ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ବଡ଼ିଟା ନା ନାହିଁ, ଗୋଲାକାର ବଡ଼ିଟା। ଓକେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ରିଜନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର 9th କ୍ଲାସ୍ର ଅଟୋମୋଟିଭ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ରିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଇଛି। ଓକେ, ଏହିସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଆକାର ଓ ତା'ର ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ, ଓକେ, ବା ଗଠନ ଓ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଇଏ ଥିଲା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସେହିପରି ଆମେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ 4 ମାର୍କିଆ 5ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦେଖ 5, 4 ନମ୍ବର ଆଇରେ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଦେଖ ଆମର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଓକେ, ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, 2 ପ୍ରକାର ଆମର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏକ୍ସିଲ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ରିଅର୍ ଏକ୍ସିଲ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏକ୍ସିଲ୍ ବା ସମ୍ମୁଖ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ, ରିଅର୍ ଏକ୍ସିଲ୍ ବା ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ। ଓକେ, ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିଥାଉ, ଗାଡ଼ିର ସାଧାରଣତଃ ଗାଡ଼ି ଯାହାର 4ଟା ଚକ ମେନ୍ ହେଉଛି 4ଟା, କାର୍ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର 4ଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଗପଟ ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଲ୍ ଅଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏକ୍ସିଲ୍, ପଛପଟେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ରିଅର୍ ଏକ୍ସିଲ୍ ବା ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ। ହେଲେ ରିଅର୍ ଏକ୍ସିଲ୍ର ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟିଅରିଂ ଫିଅରିଂ ଲାଗୁଛି ସବୁ, ଓକେ, ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଆଗରେ ରହୁଛି, ତା'ପରେ ଏମିତି ଆମର ବଡ଼ିଟା ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମର କାର୍ ଗାଡ଼ିଟା ଏମିତି ହେଇଥାଉଛି। ଓକେ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର କାର୍ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ି, ଠିକ୍। ହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡକୁ ସମାନୁପାତରେ ବଳ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡକୁ ଆମର ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ପାୱାରଟା ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ପ୍ରପେଲର ସାଫ୍ଟ ବା କହିଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍, କ୍ଲଚ୍, ଗିଅର୍ ବକ୍ସ ଆଉ ପ୍ରପେଲର ସାଫ୍ଟ ଦେଇକିରି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶକ୍ତିଟା ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଯେଉଁ ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି, ହେଲେ ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡର ଯେଉଁ 2ଟା ଚକ ଥାଉଛି, ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡକୁ 2ଟା ଚକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚକ 2ଟାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଇ 2ଟାକୁ ସମାନୁପାତରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଇଦେବି। ଓକେ, ସେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ସେ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲର କାମ ହେଲା ନା ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ବା 2ଟା ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡକୁ ସେ ସମାନୁପାତରେ ବଳ ବା ଶକ୍ତି ଉପଜାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ରଖାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ, ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ବା ରିଅର୍ ଏକ୍ସିଲ୍ର, ଏଇଟା ମୁଁ ଏହା କଥା କହୁଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ। ଓକେ, ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରପେଲର ସାଫ୍ଟଟା, ପ୍ରପେଲର ସାଫ୍ଟର ପାୱାରଟା ଆସିବ ଏଡ଼ିକି, ଏଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇ 2ଟା ଚକ ଲାଗିଥିବ ଯେଉଁଟାକି ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ବା ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ, ପଛ ଚକକୁ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
हेले रियर एक्सेल रो कौन देखो सम्मुख अंध अक्षदंड परी बा फ्रंट एक्सेल परी पछ अक्षदंड मध्य स्टील एलो द्वारा निर्मित होइछि एडा स्टील एलो बा एहा गाड़ी ओ तारो बाह्य आवरण रो ओजन बहन करुछि गाड़ीटा को मध्य बाह्य आवरण तो बॉडीटा मध्य ये मध्य ओजन करुछि कने एक्सेल परे प्रेशर पडुछि गाड़ी को स्थिर अवस्था रु गतिशील गतिशील अवस्था रु स्थिर अवस्था आने को आवश्यक शक्ति गाड़ी रो पृष्ठ तल चेचिस और बॉडी को यह द्वारा संचालित होता है। यह मध्य गाड़ी रो पार्श्व ओजन चक गुड़िक माध्यम धारण करना जंत्रांश जता विबेल पिनियन विबेल गियर स्टार पिनियन ओके एक्सेल शाफ्ट आदि को धारण करने सह कार्यकारी करने सहायक होता है। यही सब जो कॉइल गियर पिनियन यही सब ये भितर अबर अच्छी ओके यही डिफरेंशियल भितर अमर अच्छी हेले यह जानिबा गुरुत्वपूर्ण जे पछ चका गुड़िक पछ अक्षदंड सह दृढ़ भाव संयुक्त होता है जहाद्वारा बाहर चक भितर चक अपेक्षा अधिक घूरवा द्वारा अंका बंका सड़क पथर जानर चलाण सहज पर हुए बुझिपाल ना माने आमर जो आंका बांका रास्ता रे बांको बुला होती जो बुलाबूली होती कौन हो पच आम आग चकटा स्टीयरिंग बुले दूसर कि पछ चक कौन हो डिफरेन्सीयल अच्छी कंट्रोल करके कंट्रोल कर रियर एक्सेल पछ अक्षदंड काम आपण मान या अच्छी आपण मान 68 नंबर पेज रही आपने पढ़ी लिखिपारे आम जा परवर्त क्वेश्चन को गियर बॉक्स रो कार्यलक अति सहज क्वेश्चन गियर बॉक्स रो काम होला ना शक्ति संचरण करबा बा बेग बढ़े व्यवहार करा जाउछ देखो गियर बॉक्स तार विभिन्न बॉडी अच्छी चार मार्क पचास ना आपण मैं अधिक लिखा पड़ो मिलना देखो गियर बॉक्स गियर बॉक्स रो कार्य ये हूँ तार आंसर 65 नंबर पेज रे तार आंसर अच्छे इंजिन और गाड़ी चक को भिन्न भिन्न बेगर गतिशील अवस्था आनुपातिक जांत्रिक घूर्णन संचरण करवा कहली बेग बढ़े साधारणतः आ गियर संचरण व्यवस्था गियर को स्थिर अवस्था रखा जाए इंजिन सहित संयुक्त गाड़ी चलनशील चक को पृथक करें फल गाड़ी कौन हम गतिशील हो न थाए बा कौन आम न्यूट्रल देखो आम गियर जदि न पकेबा तो गाड़ी स्टार्ट अवस्था था न्यूट्रल था ओके गाड़ी गतिशील होने गाड़ी स्टार्ट था किंतु हमें गियर न पकेबा जाए गाड़ी गतिशील हो पार ना कौन कौन न्यूट्रल पोजिशन यही अवस्था क्लच चलना कले गाड़ी गतिशील अवस्था को आसी न थाए यहाद्वारा गाड़ी को पछ को गति करे ये पश्चात गियर बैग उपर आम पश्चात गियर अच्छी पछ को गाड़ी के अणा हेले ये हूँ गियर बॉक्स रो कार्य आपण मान 65 नंबर पेज रही आप पढ़ी लिखि पारे ओके आम जा परवर्त क्वेश्चन को देखो परवर्त क्वेश्चन में पचारा कौन स्पार प्रज्वलन इंजिन संबंधित लेख मुझे कही दु प्रकार अच्छी आमर गोटे एस आई इंजिन आ गए सी आई इंजिन एस आई इंजिन मान कौन स्पार्क इग्निशन इंजिन सी आई इंजिन मान आम कंप्रेसन इग्निशन इंजिन हेल्ले आम कही कौन एस आई इंजिन विषय में कही एस आई इंजिन मान कौन स्पार्क प्लग थी स्पार्क इग्निशन इंजिन मान कौन स्पार्क प्लग ऑब्वियसली थी ओके ये हूँ तार आंसर ओके हाँ एस आई इंजिन ये देखो एस आई इंजिन स्पार्क इग्निशन इंजिन कौन हो देख घर्षण द्वारा श्रेष्ठ अग्निस्फोटिक इंजिन रे अति प्रज्वलनशील इंधन जता गैसोलिन व्यवहार कराए आम कौन पेट्रोल बा गैस होगा जहाँ अल्प तापमात्रा दहन प्रक्रिया घटे और बाष्पर परिणत होता है दहन प्रकोष्ठ को प्रवेश पूर्व इंधन सहित वायुर मिश्रित कराए मुझी इंधन पवन मिसिकी आसब यह वायु मिश्रित इंधन बोली कहुए वायु मिश्रित इंधन इंजिन रे सिलिंडर मध्य को प्रवेश करे एवं पिस्टन दंड द्वारा चाप प्रयोग कराए वैद्युतिक घर्षण व्यवस्था द्वारा प्रज्वलन तापमात्रा सृष्टि कराए वैद्युतिक प्रज्वलन कौन जो आम स्पार्क प्लग को बैटरी साहयर कही वैद्युतिक शक्ति बैटरी बैटरी साहय स्पार्क प्लग को कार्यरत करा कौन कर प्रज्वलन जलवे साए जहाद्वारा इंधन दहन घटे दहन मान जल वायु मिश्रित और चापयुक्त गैस दहन फल सृष्टि बल द्वारा पिस्टन दंड पश्चात गति
ଓ ଏପରି ଉପର ତଳ ସମବେଗରେ ଗତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି ଭଲ ଭାବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେବୁ, ଶୁଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏସ୍ଆଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାନେ ସ୍ପାର୍କ ଇଗ୍ନିସନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ମାନେ ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ ଅଛି ଏଠି ଅଛି। କ'ଣ ହେବ, ଇନ୍ଧନ ପବନ ଭିତରକୁ ଆସିବ, କହିଥିଲି ଏଠି ଇନ୍ଧନ ପବନ ମିଶ୍ରି ଆସିବ, ବା ଇନ୍ଧନ ପବନ ବା ବାୟୁ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଶିକି ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଆସିଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ଆସିବ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ଆସିକି ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ଟା ସ୍ପାର୍କ ହେବ। ସ୍ପାର୍କ ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଇନ୍ଧନ ପବନ ଯେଉଁ ଅଛି, ପବନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଜଳିବ। ଜଳିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବ ବା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କ'ଣ, ପିଷ୍ଟନଟାକୁ ଏ ଯେଉଁ ପିଷ୍ଟନଟାକୁ ତଳକୁ ଠେଲିବ, ତଳକୁ ଠେଲିବ, ତଳକୁ ଠେଲିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା କ୍ରାଙ୍କସେଟ୍ଟା ଘୁରିବ, ମାନେ ଏଇଟା ଲିନିୟର ମୋସନ, ଉପରକୁ ତଳକୁ ହେବ ଇଏ, କାହିଁକିନା ଉପରକୁ ଇଏ ତଳକୁ ଠେଲିଲେ କ୍ରାଙ୍କସେଟ୍ ଘୁରିବ, ଘୁରିଲେ ଆଉଥରେ କ'ଣ ଆଉଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନା ନାହିଁ, ଏମିତି ଉପରକୁ ତଳକୁ ଗତି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ରାଙ୍କସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଘୁରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଉ ଏହି ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆମର ଉପଯୋଗ କରି ପଛ ଚକକୁ ଦେଇକି ଯାନଟି ଆମର ଗତିଶୀଳ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଆକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଥିଲି, ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକର ଉପକାରିତା ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଆମର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ, ମାନେ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ତୈଳ ବା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବା ଉପଦାୟତା ବୁଝାଇକରି ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ କରିବା ପାଇଁ, ବା ଆମର ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣଟାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିତରେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଇଥିଲି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟ ଯାକ ଅଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିତରେ, ପିଷ୍ଟନ୍ ଅଛି, କନେକ୍ଟିଂ ରଡ଼୍ ଅଛି, କ୍ରାଙ୍କସାଫ୍ଟ ଅଛି, ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଷି ହେଉଛି ନା ଉପରୁ ତଳକୁ ହେଉଛି, ମାନେ ଘଷି ହେଉଛି ହେଲେ ଘଷି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ନ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଏଇ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, ଘଷି ହେଇ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପକାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଉପରୁ ତଳକୁ ହୋଇକରି ଚାରିଆଡ଼େ ଲୁବ୍ରିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ତୈଳନ ପଦ୍ଧତି ଆକାରରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖୁଛି। ହେଲେ ତା'ର ଆମ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଯେଉଁ କହିଲା ତା ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଯିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଦେଖ ଘର୍ଷଣ ସରି ଦେଖ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ତୈଳ, ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ତୈଳ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଜଳ, ଦୁଗ୍ଧ, ତୈଳଯୁକ୍ତ ସ୍ନେହସାର, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ଖାଇବା ତେଲ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ି, ସେହିପରି ଇଞ୍ଜିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଆଉ ଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ତୈଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଟେ। ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ତୈଳ ବିନା କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚଳନଶୀଳ ହୋଇପାରିନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ହେଲେ ଦୁଇଟି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗତିଶୀଳ କଲେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧାତବ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠତଳ ଓ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ଧାତବ ପଦାର୍ଥଟା ଚିକ୍କଣ ଥିବ ତାହେଲେ ତା କୌଣସି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯଦି ଟିକିଏ ଦାଡ଼ୁଆ ଥିବ ତାହେଲେ କୌଣସି କ'ଣ ହେବ, ଗରମ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଘର୍ଷଣ ଜନିତ ବଳର ପ୍ରଚୁର ତାପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ପଦାର୍ଥକୁ ପୃଷ୍ଠତଳକୁ କ୍ଷୟ କରୁଛି। ଦେଖୁଛି ଆମେ ଯଦି ହାତ ଦୁଇଟା ଯଦି ଘଷିବା, ହାତ ଦୁଇଟା ଘଷିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ, ସେମିତି ଯଦି ପଦାର୍ଥ ଘଷି ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହେଲେ ଘର୍ଷଣର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଲା କ'ଣ, ଘର୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦୁଇଟି ଚଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥର ଘର୍ଷଣ ଜନିତ ସୃଷ୍ଟି ବଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଶକ୍ତି ଅପଚୟକୁ କମାଇବା ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ମାନେ ଆମର ଘର୍ଷଣ ବଳ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିତ ବଳର ଘର୍ଷଣଟାକୁ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଉ ସେ ଆମର ବା ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ପୃଷ୍ଠତଳ ବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବା ହାତ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଗରମ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଗରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବ ଆଉ ମାନେ ମାନେ ଘଷି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଘଷିଲେ କ'ଣ ସରି ସରି ପଳାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତୈଳନ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ତା'ର ଆନ୍ସର, ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ, ଏମିତି ମନରୁ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର ତା'ର ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଫିରେ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଇନ୍ଧନ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବାନି ତାହେଲେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବାନି। ସେହିପରି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଇନ୍ଧନ ନଦେବା ନ ଯୋଗାଇବା ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଞ୍ଜିନ ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା।
देखो इंधन जोगाण व्यवस्था आमर 59 पेज रे थिला जे आंसर देखो ये उत्तर आंसर इंधन जोगाण व्यवस्था ओके यही जो मुझे आलोचना करी आपण मैंने पढ़ी लिखले हम पेट्रोल इंजिन केमी हो देखो टैंक रखा हो तैल पदार्थ पाइप रखा जोगाण विधायक टी आपने लिखिपारे इंधन जोगाण व्यवस्था हूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग पेट्रोल आउ डीजल इंजिन पे अलग अलग प्रकार इंधन जोगाण अच्छी पेट्रोल पे इंजन अच्छी कौन कार्बोरेटर साहय देखी जीव कि आमर डीजल इंजिन में कार्बोरेटर ना जोटा कि इंजेक्टर अच्छी इंजेक्टर देखिए स्प्रे कर इंजनटा को दहन कर जाऊँ 59 पेज रही आपण मैंने लिखिकी एथर टी टे लिखिपारे ओके से हीपरी आम जा परवर्त क्वेश्चन को परवर्त क्वेश्चन में कौन पचार परवर्त क्वेश्चन में पचारा कौन चेचिस फ्रेम्र व्यवहार लेख चेचिस कौन गोटे जानर मोटर जानर गोटे हूँ मेरुदंड हूँ चेचिस जमीन इंजिन रेरुदंड है क्रांकसाफ्ट गोटे मोटर जानर पूरा मोटर जानर मेरुदंड हूँ चेचिस सी आम शरीर में चेचिस अर्थ हूँ पृष्ठतम जी आम शरीर में हाड़ अच्छे से हीपरी गोटे जानर हाड़ मेरुदंड हूँ कौन चेचिस ओके चेचिस व्यवहार लिखिए आम तार 37 नंबर पेज तार आंसर अच्छे 37 नंबर पेज देखा चेचिस ओके चेचिसटा कौट आसना फ्रेंच शब्द आसी जार अर्थ हूँ कौन पृष्ठतल बंद जहाँ उपरे कौन कर विभिन्न प्रकार जंत्रांश गुड़ी आम खंजिकी गाड़ीटी को नूतन बा तार बड़ी को मध्य संजोग कर गोटे गाड़ीटा निर्माण कर चेचिस को दृढ़ भाव सब जिनस खंजिकी रखा जामर चेचिस देख ये हूँ तार चित्र चेचिस यहाँ आमर 37 नंबर पेज रे तार आंसर अच्छी आपण मैंने पढ़ी लिखिपारे अति सहज चेचिस किसी कष्ट ना चेचिसटा कौन स्टिल निर्मित होती जात्री कार क्षेत्र में जात्रीवाही कार क्षेत्र गाड़ी डब्बा पृष्ठतल सह समन्वित भाव में गठित होता है किंतु व्यावसायिक बड़ बड़ भारी जान बस ट्रक आदि क्षेत्र में गाड़ी पृष्ठतल बंद तार बड़ी पृथककरण भाव में या बड़ बड़ गाड़ी द्वारा चेचिस अलग तार बड़ी मध्य अलग किंतु छोट छोट जो कार गाड़ी ये कार गाड़ी जहाँ देखिए कार गाड़ी जहाँ चेचिस सहित मिसेकर बड़ीटा तैयारी ओके चेचिस अच्छी तार फंक्शन अच्छी गाड़ी में जाती मान ओजन धारण करवा बेहन करवा क्षमता थी पड़ो चेचिस कहीं आम जो लोक मैंने ठिया होती तले सीना बस मान उदाहरण बस देख आम बसुँच चेर पक चेर अच्छी बस ठिया हो लोक हेल्ले तलटा कौन हो प्रेसर पड़ी तला आम चेचिसटा अच्छे लेसुम चेचिसटा अच्छे चेचिस सब जहाँ भार पड़े जिनसपत रखुच भारटा पड़ी तार इंजिन अच्छी भार पड़े ओके कले ब्रेक देखते ब्रेक देखा सडन जो धक्काटा पड़ी तार चेचिस पड़े इन विभिन्न प्रकार सब तार सब आम चेचिस तार ओजन भारे पड़ी थाए ओके ये आमर आज जो नवम श्रेणी अर्धवार्षिक परीक्षापी डिस्कसन आउ आपण मैंने भल भाव पढ़ी नि देखी निपण मान सांगसाथी साध्य सेयार करूँ देखु आपण मैंने क्वेश्चन आंसर टी देखी आपण मानक अर्धवार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण हो भल मार्क आने वाली मोर आशा विश्वास तेणु आउ आगामी भिडियो आपण मानक विराय नौ आउ एक भिडियो आपण मैंने नहीं आसबि से पर्यटन मुझे रोचे आउ भल जब भिडियोटी आपको भल लगी है तेल सांगसाथी मानक सेयार करूँ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ सपोर्ट करूँ टे सपोर्ट करूँ जहाँफल मुझे अन्य भिडियो क्लास लेसन आपण मैं नहीं आनेबी रोची धन्यवाद।